का नाम किशोर भानुशाली है, जो मेरे पहले मूवी में भी प्रोड्यूसर थे, और वो मुझसे इस कंसेप्ट से इस तरह जुड़े रहे कि जब तक मैं इस पर फिल्में बनाऊंगा तब तक ये मुझसे जुड़े रहेंगे। इसलिए सेकंड मूवी में भी इन्होंने एज एसोसिएट प्रोड्यूसर मेरे साथ में है। ओके किशोर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे गुंटू की बल्टन, क्या कुछ खास रहा इसके पहले भी आपने एसोसिएट प्रोड्यूसर के साथ काम कर चुके हैं, और ये गुंटू की बल्टन दोनों में इतना अंतर है, क्या कुछ खास रहा जुड़े इस मूवी के लिए? तो मेरे पास कहने को शब्द नहीं है, ऐसा विषय है। मैं इनके साथ जुड़ा हूँ तो विषय की वजह से ही जुड़ा हूँ। मतलब आज के पेरेंट्स सब जानते हुए भी अनजाने में ये कर रहे हैं, मतलब मोबाइल, शराब, सिगरेट। तो ये जो प्रॉब्लम हमेशा दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, तो मैं इनसे इंस्पायर ज़्यादा हूँ कि ऐसे विषय आने चाहिए पब्लिक के सामने। अभी ये कोई शब्द बोलते हैं तो मेरा रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ये बंदे ही ऐसे हैं कि जो कुछ करेंगे वो सही ही करेंगे, तो मुझे इन पे 100% विश्वास है कि जो मार्केट में लेके आएंगे उससे पब्लिक का बहुत भला होगा। कमर्शियल एंगल से बात करें, बच्चों की फिल्में कितनी चलती हैं, आपने पैसा डाला कहीं ना कहीं, ये भी होगा कि फिल्म चले ना चले, कितना कमर्शियल उसके बारे में क्या करें? नहीं, हम दोनों कभी कमर्शियल के बारे में आज तक सोचे ही नहीं है कि भाई कमर्शियल में मुनाफा होगा या नहीं होगा। हमारा उद्देश्य दोनों का वही है कि भाई हम कुछ मरने से पहले कुछ अच्छा करें पब्लिक के लिए। पर्सनली क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो इसमें प्रॉब्लम दिखाई गई है बच्चों को, जो मैसेज दे रही, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ऐसी चीज़ें होती है, एक्चुअल में ये चीज़ें हैं और ये होती भी हैं, लेकिन सॉल्यूशन ये फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है और पेरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गई है मूवी। केके को लेने का खास मकसद? केके को लेने का जो मकसद था मेरे पीछे ये कि काफ़ी सालों से बच्चों के दिलों पे केके ने राज किया है और बच्चों के इतने करीब है, तो इससे पावरफुल मुझे कोई इंसान नहीं लगा जो बच्चों तक मेरे मैसेज को, मेरे कंसेप्ट को बहुत बॉटम टू दी हार्ट पहुंचा सके। इसलिए मैं केके का बहुत थैंकफुल रहूँगा। हालांकि इस पिक्चर के लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट भी लिए है और काफ़ी मेहनत भी की है। थैंक यू सर। बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छी जर्नी रही, काफ़ी एक साल का हमारा जर्नी रहा जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया गया। अभी के फास्ट लाइफ की वजह से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, उसी को मैंने दर्शाने की कोशिश की है और काफ़ी इंटरनेशनल फेस्टिवल में इसको सराहा जा रहा है। काफ़ी जगह ये विनर है, फाइनलिस्ट हो चुकी है। बस क्या दिखाने क्या खास करके इसका वन लाइन देखना बोलना चाहूँगा तो एक ही लाइन को बस को डेवलप किया है कि हाउ टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ अ चिल्ड्रन डिप्रेशन थ्रू ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। हम माता पिता और टीचर्स के जरिए, परवरिश के जरिए कैसे बच्चों के डिप्रेशन को बचा सकते हैं, इसी के अंदर हम लोगों ने बताया है। ये भी जानना होगा केके गोस्वामी का चयन क्या है, लीड में है, क्या करते हैं, उनके साथ कैसा इक्वेशन था? बहुत ही अच्छे इंसान है केके जी, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने शूटिंग के दौरान। हम लोग ने अराउंड 16 घंटा जंगल में शूटिंग की हुई है, जैसे गुलशन जी है, गुलशन पांडे, नीलोफर मैम है, इसके अलावा पंकज बेरी है, काफ़ी सपोर्ट किया मुझे एक्टर लोगों ने। क्या किरदार निभा रही है और कैसा एसोसिएशन था आपका इस फिल्म के माध्यम से? मैं इसमें ओम की मदर का कैरेक्टर निभा रही हूँ और काफ़ी चीज़ें एक्चुअली हमें भी पर्सनल लाइफ में सीखने को मिली है कि बच्चों से या बच्चों के सामने किस तरीके से हमें पेश आना चाहिए। माँ बाप के जो झगड़े अंदरूनी एक अंदर बंद कमरे में ही हों तो बेहतर है, बच्चों के सामने नहीं हों और होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। और विक्रांत जी का कितना सपोर्ट था, किस तरह से आपको गाइड करते थे शूटिंग के दौरान? विक्रांत जी का मुझे फुल सपोर्ट रहता है, मैं इनको 5 से जानती हूँ फ्रॉम स्टार्ट से। लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी बच्चों पे, द फेस ऑफ ट्रूथ, सच है ना, हाँ, तो उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। इन्होंने एक नया मैसेज जो समाज को देना है उस पर फिल्म बनाई है और मेरे ख्याल से ये फिल्म देख के लोगों को सबक लेना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ एक फिल्म समझ के ही देखा जाए। आपसे जानना चाहूँगा, आप भी एसोसिएट क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, कैसा अनुभव था शूट के दौरान? शूट के दौरान हमें बहुत मज़ा आया,
बच्चों लोग ने बहुत कोऑपरेट किया, बच्चों के पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया, और बेसिकली हम इस मूवी के थ्रू जो अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं, आई जस्ट होप कि वो हमारे ऑडियंस तक पहुंच जाए और ऑडियंस भी हमारे मूवी को सराहे, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बहुत सारे फेस्टिवल में नॉमिनेशंस भी आ चुके हैं, ऑफिशियल सेलेक्शन भी हो चुके हैं। एक्चुअली बच्चों को लेके काम करने वाले फिल्म मेकर्स आज के डेट में इंडस्ट्री में काफ़ी कम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन सारा सिनेमा बहुत ही कमर्शलाइज होते जा रहा है करके, और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फिल्म मेकर एंटरटेनमेंट एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे या तो लोगों को हंसाया जाए या तो फिर लोगों की जो पीड़ा है, जो सोशल कॉज है, जो प्रॉब्लम्स है, वो एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम गवर्नमेंट तक, पब्लिक तक कन्वे करें, तो मुझे एंटरटेनमेंट यही एक माध्यम लगता है। तो जो विषय है वो मतलब बहुत सेंसिटिव विषय है, क्या कहते हैं, किस तरह से इसको चाहते हैं मतलब प्रमोशन करना या आगे चल के इसको एसोसिएट करना है, कुछ एनजीओज हैं या किस तरह से करना चाह रहे हैं? हाँ, अभी तो मुझे पूरे भारत देश में से एनजीओ के कन्फर्मेशन आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से मुझे स्कूल्स के मेल्स आ रहे हैं कि आप कब रिलीज करें और रिलीज डेट बताइए, सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओस सारे मेरे साथ में। ये एक लाइन में स्टोरी क्या है? एक लाइन में स्टोरी यही है कि हाउ टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ अ चिल्ड्रन डिप्रेशन थ्रू ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। हम लोग ने इसके अंदर ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बताने की कोशिश की इस डेढ़ घंटे में, एंड ये 99 मिनट्स की मूवी है। 99 मिनट्स में हम लोग ने भाई बताया है कि आप आपके बच्चों को किस तरह मानसिक रूप से स्ट्रांग बना सकते हो। मेरी नवंबर मंथ में एक मूवी फ्लोर पर जा रही है लव जैसा प्यार, उसके लिए आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट लगेगा, जिसके अंदर मैंने बहुत ही एक सेंसिटिव इशू को बताने की कोशिश की है, जो आने वाले वक्त में आप लोगों को पता ही चल जाएगा। इससे पहले भी आप बच्चों के ऊपर फिल्म बना चुके हैं, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया उसमें, और इसमें क्या फर्क? ये बहुत अच्छा सवाल था, थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। जैसे लास्ट मेरी मूवी थी सच, उसके अंदर हमने बताया था कि जो बच्चों की बढ़ती सुसाइड्स है, उसके अंदर हम लोगों ने बताया था कि उसके रीजंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, बच्चा सुसाइड करने के बदले क्या करता है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, लेकिन मैंने देखा कि इसके अंदर कोई चीज़ बदलेगी नहीं, क्योंकि जो फास्ट लाइफ है आज की बदलती, माँ बाप के पास में वक्त नहीं है, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी है, और इसके लिए कोई सत्ता किसी भी पार्टी के आए, एक आम इंसान की जो पीड़ा है वो सरकार तक पहुँच नहीं पाती है। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि क्यों ना बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि आने वाले युग में अगर कुछ भी अप एंड डाउन्स होते हैं उनके लाइफ में, तो वो मेंटली इतने स्ट्रांग रहे कि वो अपने प्रॉब्लम से खुद ही फाइट कर पाए। थैंक यू सर। मूवी देख के निकला हूँ, अभी तक मैं मूवी के अंदर ही घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जिस तरह से मेहनत की है, एक ही मूवी में सब चीज़ें कवर की है, ये बहुत टफ काम रहा है, और मैं थैंक कहना चाहूँगा इस टीम को जो मेहनत की है, और एक ही मूवी में बार बार यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, एक ही मूवी में सारे प्रॉब्लम जितने हो सके इन्होंने कवर करने की कोशिश की है और उसका सॉल्यूशन भी दिखाया है। ये कैसा है कि एक चीज़ समझ में आई कि नोइंगली या अननोइंगली हम भी शायद उस प्रॉब्लम के एक शिकार हैं, जैसे कि मोबाइल वाला, जानते सब कुछ है बट स्टिल कभी कभार पॉलिटिक्स ये वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए इतना घुस जाते हैं उसमें कि मेरी बेटी भी अगर बाजू में खेलते रहती है तो बेटा थोड़ी देर रहने दे, पापा कुछ कर रहे हैं। बट थैंक्स टू विक्रांत जी, द आइडिया, द कंसेप्ट एंड द टीम, मजा आया, और ऐसी और मूवीज मैं उम्मीद करता हूँ विक्रांत जी बनाएंगे इसके आगे और बढ़ावा देंगे इस कंसेप्ट को। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे, आप मूवी कैसे देखी? मूवी मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, इवन जो दिखाया है स्टोरी में कि वे ना पेरेंट्स का कितना रोल रहता है, बच्चों कैसे स्पॉइल हो जाते हैं, अपन ब्लेम करते हैं कि बच्चे ऐसे हैं, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं हद तक पेरेंट्स का भी इसमें हाथ है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू वॉच दिस मूवी, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड प्लीज थोड़ा चेंज हो जाइए ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इम्प्रूव हो जाइए। थैंक यू। रजनीकांत मणि त्रिपाठी विधायक हूँ कुशीनगर से, और हमारा मैं यहाँ पहुँचा इसलिए कि मेरा नाती, मेरी बेटी का बेटा इसमें पार्टिसिपेट किया था, आर्यन के रूप में जो लड़का दिखाई दिया आपको वो मेरा नाती है,
कैसे लगी फिल्म आपको? त्रिपाठी जी जो काम आपको करना चाहिए समाज में लोगों को जागरूक करना चाहिए बच्चों को लेकर खास करके वो विक्रांत जी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका काम उन्होंने कम कर दिया है बोझा कम कर दिया है। देखिए मुख्य रूप से राजनीतिक लोगों का जो काम है वो राजनीतिक लोग तो कर रहे हैं लेकिन विक्रांत जैसे लोग अगर समाज को बदलने की जिम्मेदारी ले रखे हैं तो हम तो पहले आज उनको धन्यवाद देना चाहते हैं इस बात के लिए क्योंकि ये कला के माध्यम से जो हम प्रदर्शन करते हैं वो ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे हम लोग कोई राजनीतिक चर्चा करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या मेरी व्यक्तिगत इसमें कोई निष्ठा है लेकिन जब कलाकार कोई चीज़ का प्रदर्शन करता है और देश को समाज को कोई संदेश देता है तो उसमें लगता है कि निष्पक्ष भाव से और ये समाज को कुछ देना चाहता है। तो विक्रांत जी ने जो कुछ भी कर रहे हैं निश्चित तौर पर एक समाज के अंदर व्यापक परिवर्तन आएगा और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सारे विद्यालयों में और सारे बड़े भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी पति पत्नी काम करते हों वैसे इंस्टीट्यूशन में इस फिल्म को दिखाया जाए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में इसको दिखाया जाए 1.5 घंटे की फिल्म है लेकिन जितनी भी समस्याएं हैं समाज के अंदर 5 विषय को इन्होंने लिया लेकिन मुझे ये लगता है कि ये 5 विषय के अंदर ही पूरे समाज की समस्या समाहित है ऐसा विषय इन्होंने चयन किया सही में और बच्चों का डेवलपमेंट भी होगा और साथ में ये सिर्फ बच्चों की समस्या नहीं है बच्चे अभिभावकों को फिल्म में लगता होगा कि ये खाली बच्चे की समस्या है लेकिन ये अभिभावकों की भी समस्या बनती जा रही है इसलिए इसको मिलजुल के और जब ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जब देखेंगे तो इसका निष्कर्ष बढ़िया निकलेगा और परिणाम भी बढ़िया आएगा। और जैसा अभी किसी मित्र ने मेरे कहा कि जो बाल फिल्में होती हैं वो सक्सेस नहीं होती हैं आगे नहीं जाती हैं लेकिन मैं ये देखने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि ये फिल्म कहीं भी फ्लॉप नहीं होने वाली है और ये हिट होगी और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलना चाहिए। मुझको सारे कलाकारों ने प्रभावित किया क्योंकि मैं पहली बच्चे के फिल्म देखने के बाद मैं पहले बार फिल्म को देखते समय मेरे आँख से आंसू निकले ये इससे बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता कि मैं फिल्म देख रहा था एक तरफ मैं अपने आँख पोंछ रहा था और जितने भी दर्शक थे लगभग सबके जब लास्ट सीन जो बच्चे रो रहे थे उस सीन पर ऐसा हो रहा था कि सबके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो ये हमारी फिल्म की सफलता है कि फिल्म कलाकारों के उनके प्रदर्शन को देख के उनके एक्टिंग को देख के और विषय इतना विषय सुंदर विषय था तो उसके बाद रोना आ जाए तो ये फिल्म की सफलता हो सकती है। इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। त्रिपाठी जी आप अगर शासन प्रशासन की बात करें तो क्या रिकमेंड करेंगे आप अपने एज ए विधायक? मैं एज ए विधायक आपके चैनल के माध्यम से या आपके संदेश के माध्यम से कहना चाहूँगा और भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करा के और इसको प्रसारित करना चाहिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा देश के अंदर। आप सर क्या आपके सर ने बहुत बढ़िया बोला है कि ये फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए गवर्नमेंट ने क्योंकि ये फिल्म गवर्नमेंट को बहुत लोगों को बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। पेरेंट्स ने बच्चों को साथ में लेकर यह फिल्म देखनी चाहिए। विक्रांत मोरे जी ने बहुत बढ़िया लिखा है डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं एंड बच्चों से एक्टिंग करके लेना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने एक्टिंग करके ली है आई थिंक वंडरफुल जॉब ही हैज डन। विक्रांत जी आप क्या कहना चाहोगे त्रिपाठी जी इतने दूर से आपको सपोर्ट करने के लिए आए फिल्म को सपोर्ट करने के लिए? तो इतने बड़े इंसान मेरे प्रीमियर में आज गोरखपुर से यहाँ पे आए हैं कम से कम 15 साल से वहाँ पे बीजेपी के सांसद रह चुके हैं अभी भी हैं तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना लंबा सफ़र तय करके उनके नाते के लिए नहीं खास इस प्रोजेक्ट के लिए आए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या चल रहा है सर खुशियाँ खुशी लग रहा है खुशी खुशी है खुशी और मैं तो चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी आप आवें और अपने हाल में जो होगा मैं इसको चलाऊँगा दिखवाऊँगा और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके 200-400 फैमिली को इस फिल्म को दिखाऊँ अपनी तरफ से। थैंक यू सर। मैं आर्यन और कि उसमें सिखाया जाता है कि शराब पीना ड्रिंक करना वो सब बुरी बात है वो। अच्छा तो दांत भी टूटना बुरी बात है? कैसे दांत टूट गया आपका?
मेरा नाम अनन्या पांडे है, उसमें मेरा रोल मेरा नाम है उस मेरे फिल्म में भी मेरा नाम अनन्या पांडे ही है। किरदार क्या है? मेरा किरदार एक लड़की का, मतलब जेंडर इक्वालिटी, लड़की लड़की में भेदभाव वो है, जेंडर इक्वालिटी। मेरा नाम मिहिका है और मूवी में भी मेरा नाम मिहिका ही है। और मेरा किरदार ये है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत प्रेशराइज किया हुआ है और मुझे हमेशा वो पढ़ाई के लिए बहुत फोर्स करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो इस मिहिका का फेवरेट है। आप बेटा क्या बोलना चाहेंगे, बीच में बैठे आप, क्या नाम आपका? मेरा नाम आयानी, मेरे फिल्म में नाम ओम था और ये फिल्म में ये कहा जाता है ताकि माँ बाप से झगड़ा नहीं हो, ऐसा जो बच्चे लोग को बनना चाहिए वही बनाए, ऐसा सब सिखाया जाता है। अच्छा, तो माँ बाप से आप तो लगते हो माँ बाप से झगड़ा करते हो, करते हो ना? हाँ, झूठ बोल रहे हो तेरे कैमरे के सामने। हाँ बेटा, मेरा नाम नुपुर बोल रहे हैं और मूवी में भी मेरा नाम नुपुर ही है। इस मूवी में मेरा कैरेक्टर है, मैं एक लड़की हूँ जिसके डैड बहुत ड्रिंक और स्मोक करते हैं और मुझे हमेशा उनका एक टेंशन लगा होता है कि अगर उनको इनसे कुछ इफेक्ट्स हो गए तो उनकी लाइफ को कुछ हार्म पहुँच गया तो हमारी लाइफ उनके बाद कैसी होगी। मेरा नाम निमेश कदम है, मेरा मूवी में नाम रोहित है और मेरा किरदार ये है कि मेरे मम्मी पापा हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, मुझे को टाइम ही नहीं देते, तो मूवी में ये दिखाया कि मैं कैसे उस सिचुएशन को टैकल करती हूँ। सारे मिलके बोला मून मारू की पलटन, वंस मोर मारू की पलटन। बच्चों के प्रॉब्लम्स और उनके पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स के बीच का, तो मेरी फैमिली दिखाई गई है, जो आज के तारीख में सबको ही कहता है कि बहुत हेडेक है, बहुत प्रॉब्लम्स है, सिगरेट और दारू के शराब के बिना रहा नहीं जा सकता, तो उसी को लेकर दिखाया गया है। एंड मेरी बच्ची जो नुपुर, जिसका करेक्टर का नाम है, तो वो किस तरह अपने माँ बाप को समझाना चाहती है कि ये बुरा है और ये नहीं करना चाहिए। I'm so happy. I'm the part of this movie. अनन्या की मदर हूँ मैं और हमेशा वो अपने बेटे को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है और बेटी को कम देती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए हमने ये बताना चाहा कि बेटा और बेटी को समान रूप से देखना चाहिए क्योंकि इच्छाएँ बेटी की भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बेटे को ही पहले रखें, बेटी और बेटा दोनों को समान रूप से देखना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म को सभी माँ बाप देखें। बिल्कुल, फैमिली के साथ जाके देखें और बच्चे के साथ जाके देखें, ये फिल्म हर पेरेंट्स को देखना चाहिए बिकॉज ये हर पेरेंट्स के लिए। थैंक यू।